بسم الله الرحمن الرحيم. चीखा मारदा मारदा चला गया, कहन लगा या माया शाह कमली वाला नहीं मिलिया, मेरा पैगाम दे दिया जे, हजूर नू आखिया जे कल नू जदों अबू बकर वर्गे बेलियां दी गिनती करे, जदों उमर फरूक वर्गियां दा नां लवे, बस कमली वाले नू आखिया जे करन दे टिब्बियां ते रहण वाले माड़े जे अवैस नू भी याद कर लिया जे। लगियां वाले चुप नहीं कर दे, भवें दईए लख दला से तुर जावण मह बोब जिन्ना दे, ओ जावण के पासे। रब्बे काबा दी कसम है हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह दे कलीम है, अल्लाह दे नाल गल्लां बातां करदे रहे। रब्बे कायनात दी कसम है अल्लाह सारा कुछ बख्श देवेगा अगर मां दी खिदमत करेगा, जिवें दुनिया अवैस नूं याद करदी है तेनू भी याद करिया करे। कौने कौने आखिया सरकार दे दर ते आया, मैं ते कुछ भी नहीं मेरा मां ही सारा कुछ है। अवैसे करनी कहंदा है मां जी पर्दे दे विच हो जाओ, कमरे दे विच हो जाओ, जे कमली वाला नहीं मैं उन्हां जगह नूं वेख लवा, उस वेड़े नूं वेख लवा जिथे मेरा कमली वाला पिया वसदा है। अवैसे करनी उन्हां बच्चियां नूं बोल के कहंदे ने बेलियो पत्थर ना मारो, जे पत्थर मारने ने छोटे छोटे मारो, छोटे छोटे मेरे पत्थर मारो। बच्चे कहंदे ने क्यों छोटे छोटे पत्थर मारिए, फरमाया पुत्रों जे वड्डे पत्थर मार दियो खून निकलदा है, खून निकले वजू टुट जांदा है, ते फरमाया छोटे पत्थर मारिया करो वजू भी ना टुटे, तुहाडी हसरत भी पूरी हो जावे। सहाबा मैं जदों भी साह लैना मैनू मेरे अवैस दियां खुशबू आंदियां है, मैनू मेरे अवैस की खुशबू आंदी है। हजूर दी बारगाह विच गुलाम कहण लगे कमली वालिया सारी जिंदगी असी तेरे कदमां दे विच गुजारी है, पंज वक्त तेरी बारगाह च नमाज पढ़न वाले। जेड़े दिन दा के नाम दुरूद नबी करीम शफी माजम 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 ताजदारुल अंबिया हबीब किबरिया दी जाते मुबारकते, और दुआ है कि जेड़ी आयात करीमा पढ़न का शर्फ हासिल किया है एदे ही मुताबिक जिंदगी दा हर पहलू गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। तो कुरान मजीद बड़ी मशहूर और मारूफ आयात करीमा पढ़न का शर्फ हासिल किया। दुआ है अल्लाह की बारगाह च अल्लाह सोना हर एक कदम कुरान और सुन्नत के मुताबिक उठाने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह फरमाया क्या महबूब असा तुहानू बेशक कौसरे कसीर अता फरमाया।
फसल रबी का वन हर वन हर वन हर और कुर्बानी करो अपने मालक दे नां दी इन निशानियां का हुआ लबदर बेशक जेड़े मेरे नबी दे दुश्मन ने वो अबतर ने हुजूर दे जेड़े दुश्मन ने वो अबतर ने जलील व खवार ने हुण जदों नबी करीम अकर सलातु सलाम नूं अल्लाह करीम ने बेटे अता फरमाए चार बेटियां और मुहद्दिसीन ने लिखा तीन बेटे अता कीते अल्लाह अपने महबूब नूं अता कीते ते बेटियां जिहड़ियां वो जिंदा ने सलामत ने ते बेटे जिहड़े ने अल्लाह ने अपने कोल उंज ही अमानत दे तौर ते लै लै विसाल हो गया जदों पुत्रां दा विसाल होया ना सिख पुत्रां दी डाडी होंदी ते कह गए लोग सियाणे ए मेवा ते नबियां भी मंगिया कर कर उजर बहाने ए पुत्रां वाला मेवा जिहड़ा होंदा ना ते पंज धीआं भी होवे तगली ख्वाहिश होंदी मौला चल एक पुत्र भी दे दे दो बेटियां होवे तगली ख्वाहिश होंदी मौला कोई पुत्र ही दे दे ए धीआं नबी करीम अकाले सलातु सलाम दा फरमान है कि जदों रब ने बंदे नूं राजी करना होवे ना सिर्फ बंदे नूं जदों बंदे नूं राजी करना होवे ते अल्लाह पुत्र देंदा है ते जदों उहने अपनी जात नूं राजी करना होवे ते फिर धी अता करदा है फिर अल्लाह बेटी अता करदा है क्योंकि उहदी रहमत है बेटी फरमाया कि जदों ये हजूर नबी करीम अकाले सलातु सलाम दे बेटियां दा विसाल हो गया ना ये काफिर जेड़े ने मेहना मार के ना हुण कहण लगे कि नाउज बिल्ला हजूर अबतर हो गए सरकार अबतर हो गए कौन है सरकार का कोई नहीं पुत्र चले गए इन्हां दी हुण ये विरासत वाला सिलसिला कोई नहीं चलना पिछों मलकियत किसी ने कोई नहीं समझनी इन्हां दा नामो निशान नहीं रहना नाउज बिल्ला क्योंकि ना जिहड़े ने पुत्रां वालियां दे चलदे ने धीआं वालियां दे ना कदे नहीं टुरे पुत्रां वालियां दे ना चलदे ने आ फलाणे दा पुत्र है गाँव दा दोतरा पोतरा चलदियां चलदियां ये सिलसिला नस्ल जिहड़ी है चलदी धीआं तों नस्ल नहीं चलदी पुत्रां तों नस्ल चलदी सरकार दा पुत्र कोई नहीं विसाल कर गए ने ते इन्हां दी औलाद कोई नहीं पिछों नस्ल कोई नहीं चलनी हजूर दा नामो निशान नाउज़ बिल्ला खत्म हो जाना हजूर अबतर हो गए ने लिहाजा हुण मदीने दे विच काफर मीटिंग कीती कचहरी बिठा ले सारे चौधरी काफर इकट्ठे हो गए सारे इकट्ठे हो गए ना अबू जहल अबू लहब वर्गे सारे इकट्ठे हो कहण लगे अज तो बाद कोई भी मेरे भतीजे नूं ना पत्थर मारे ना कोई गाल कढे ना कोई बुरा भला आखे उन्हें आख्या होया की है उन्हें आख्या वजह ये वे के पुत्र कोई नहीं रहा पुत्र कोई नहीं रहा ते हुण आप ही इस सोच दे विच उन्हें टुर जाना है ते जदों पुत्र ही कोई नहीं ते पिछे उन्हें कल्ले ने की करना नाउज बिल्ला हुण इसे गम दे विच उन्हें दुनिया छड्ड जानी आपां होर कोई गम देना नहीं पुत्रां दे जाण दा गम थोड़ा है तो लिहाजा हजूर नूं अज तो बाद किसी ने कुछ नहीं कहना हजूर नूं जदों ये गल्लां दा पता चलिया हजूर रो पे सरकार जदों रोए ना ते अल्लाह ने कुरान नाजल फरमा छड्या अल्लाह फरमाए तू क्यों रोना है मौला जे मेहने मार देने के सरकार दा कोई नहीं मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम दा कोई नहीं कल्ले रह गए ने फरमाया कि सोने ये परेशान ना हो होर की कहंदे ने मौला ये कहंदे ने कि धीआं वालियां दे जिक्र नहीं चलदे पुत्रां दे जिक्र चलदे ने फरमाया कमली वाले मैं रब हाँ ते तेरे नाल डाढ़ी मुहब्बत है ते जे मैं ना ना चलण देवां ते अबू जहल वर्गे पुत्रां दे जिक्र भी नहीं मैं चलण देना डाढ़े पुत्र ने अबू जहल दे भी जवान है पहलवान है अबू लहब वर्गे पुत्रां वालियां दे जिक्र ना चलण देवां सोणिया तू क्यों रोना है तैनूं पुत्र कोई नहीं ना दिता मैं इस वास्ते कोई नहीं दिता जे मेरी मेरी मलकीयत दा मेरी खुदाई दा वारस है ते इक्को ही कमली वाला है इहदा पुत्र भी ना बने पुत्र इस वास्ते ले ने इह इमानत मेरे कोल ते कल नूं तैनूं दे देणी है कियामत वाले दिन तेरे पुत्र इमानत है तेरी ते रोंदा क्यों है सुनिया कोई नहीं अल्लाह फरमाया कि तेनू उम्मत ही ऐसी दे देनी है आपां अपने प्यो नालों वध के तेरे नाल प्यार करेगी मां नालों वध के तेरे नाल मुहब्बत करेगी ते तू रोना नहीं ये कहंदे आ ना कि ये सोने दा जिक्र नहीं चलना फरमाया सोने कुरान च अगर असा पक ला छड़ीए मोर ला छड़ीए वरफा ना लका जिक्र रख हर एक हस्ती दा जिक्र मिट जाएगा मेरे नबी दा जिक्र हमेशा बुलंद रहेगा
फरमाया सोने आ तू चला भी जाएगा चाहे ए वालियां दी जमीन होवे ते चाहे ठासी फाटक होवे जिहड़ी मर्जी जमीन होवे कोई नुक्कर भी सोने ऐसी नहीं होवेगी जिहड़ा दिने भी तेरे ते दरूद ना पढ़दा होवे ते राती भी दरूद ना पढ़दा होवे। मेरे कमली वाले नु सुबह भी लोग याद करनगे ते शामी भी सोने दा जिक्र करनगे। आपां को किसे ते मोहताज है आपां किसे ते कुछ लेना है जिक्र असां तेरे बुलंद कर रहे रोना नहीं तू अल्लाह ते अपने महबूब दे अथरू भी नहीं बर्दाश्त करदा कि मेरे यार दे अथरू भी निकलन किसे दुनियादार दी वजह। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा ऐलान करदे हुंदे सन फरमाया सहाबा मैं नबी जरूर हाँ ठीक है रब मैनू नबी बनाया लेकिन एडा माण नहीं अल्लाह मैनू सरदार बना छड़िया अंबिया का मैं कदे माण नहीं किया अल्लाह मैनू अपनी खुदाई मेरे हवाले कर छड़ी मैं कदे माण नहीं किया लेकिन एक चीज़ तो मैनू बड़ा ही नाज होंदा है बड़ा ही माण होंदा है हुजूर कह दिते फरमाया सारी खुदाई का वारिस बना के रखिया यार नू कखां वाली कुली दे विच सारी खुदाई मेरे कदमां च रख के तो पसंद की करदा है कि यार कखां वाली कुली दे विच रहे बस मैनू ओहदे इस फकीरी वाले अंदाज ते बड़ा ही नाज आउंदा है कि यार नू रखिया भी ये तो बड़ा साहब के रखिया कि यार ये दुनिया के महाल दे विच ना रहे जे यार रहना है तो फिर कखां वाली कुली च रहे मेरे यार वल वेख के तो लोग दुनिया की जिंदगी बसर करन कोठियां ते बंगलियां ते एसियां दे विच सुकून नहीं आउंदा जिहड़े कखां वाली कुली दे विच सुकून लै लैंदे कई बंदे आदे ऐसे होंदे ने यार चार चार पांच पांच लाख दी दिहाड़ी शाम नू कसम लै लो उन्हां नू जाके पुछो हाँ भी बेलिया सुकून है तो एको ही आवाज है कि यार सुकून जिंदगी च कोई नहीं ते ओही मजदूर है बंदा 500-600 दिहाड़ी लैण वाला ते उन्हूं जाके पुछो किवें हालात किवें ओ भावें 800 किलो घे भी मिलदा ना तो ओहदे मुँह च यही जुबान चो लफ्ज़ निकलदा अलहमदुलिल्लाह मैं राजी हाँ अल्लाह दे उत्ते मैं अपने मालिक ते राजी अल्लाह मैनू दे रहा मैं खुश हाँ जिन्ना दुखां विच मेरा दिल भर राजी तो मैं सुख उन्हां तो वारे दुख कबूल मुहम्मद बख्शा ते राजी रहन प्यारे उन्हां कदी जिद नहीं कीती उन्हां कदी नखरे नहीं कीते नौकर की ते नखरा की नौकर कदी नखरे नहीं करदे तो लिहाजा ये जिहड़े गुलाम ने जिहड़े आशिक ने बिलाल वर्गे मारा खा के भी कहंदे ने इक्को जुबान दे उत्ते जिक्र आएगा तो कमली वाले दा ही आएगा। फरमाया कि असा तुहानू कोसरे कसीर अता कीती है सोने तू परेशान नहीं होना जेरां जबरां शद्दां मद्दां सब शान तेरी विच आईयां इन आमां लोकां खबर ना काई ते खासां रमजां पाईयां जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ राज हकीकत खोलदे नहीं जिन्ना नहीं वेखिया ओ करन गल्लां ते जिन्ना वेख लिया ओ ते बोलदे नहीं जिन्ना नहीं वेख्या वह करन गल्ला ते जिन्ना वेख लिया जिन्ना अबू बकर वर्गे वेख्या उमर वर्गे वेख्या उस्माने गनी वर्गे वेख्या वह तो बोले ही नहीं उन्होंने तो सारी जिंदगी चुप करके हजूर के कदमों के गुजार छे तो जिन्ना नहीं वेख्या वह करन गल्ला जिन्ना वेख लिया उ बोलते नहीं तो फिर बिलाल वर्गे भी छित्र लित्र हर चीज़ कोले जुबान से रेत लेट लेंदे मूँह कुछ नहीं बोलते इको सदा निकलती है मेरा यार 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 कमली वाला है बस इको सदा है उस इमाम आशिकीन का जिक्र करना है जिन्हें हुजूर नु तकिया भी नहीं यादां विच जिंदगी गुजार छड़ी ना सुन के जिंदगी गुजार छड़ी हुजूर फरमाया साहबा तुसा भी अफजल हो तुसा भी बड़ी शान वाले हो मैं मानदा तुहाडियां बड़ियां शाना लेकिन तुहाडे तो बाद कोई जोने ने भी बड़ियां शाना वाले ओ बड़ियां अजमतां वाले ने बड़ा उन्हां दा मकाम है बड़ा रुतबा अल्लाह अता करना हुजूर किवें फरमाया तुसा मैनू वेख के कलमा पढ़िया मैनू वेख के जान कुर्बान की उन्होंने ना ही सुनना है जान वार देनी उन्होंने मेरा ना ही सुनना है अपनी जाना औलाद बच्चे हर चीज मेरे तो कुर्बान कर देनी है अल्लाह उन्होंने इस मुहब्बत से बड़ा नाज करेगा अल्लाह फिर फरिश्तियां नू मुखातब करके कहेगा तुसा तो कहते सो के ना बनाई मौला खलीफा ना बनाई फसाद करेगा अल्लाह फिर फरिश्तियां नू बिठा के कहता फसाद आले होर ने यार आले होर ने मुहब्बत आले होर ने साडे महबूब दे नाल मुहब्बत करन आले होर ने उन्हें मुहब्बत दे विचों रंग एक चढ़िया वैसे करने
करन दा इलाका है, करन दे टिबियां ते वसण वाला, सादगी दे विच जिंदगी गुजारन वाला। ते याद रखिया जे कि जिहड़ा आकड़िया होवे ना ते कज्जिया ऐ बिलकुल ऐ छंगिया होवे तो कदी फल नहीं देंदा, हमेशा जिहड़ा इदां टिड़किया होवे ते झुकिया होवे फल उसे नूं लगदा है। ते अल्लाह फरमाया जिहड़े बहुते इंज होंदे तो इंज ही रह जांदे ने, जान वी इदां ही निकल जांदी है। ते जिहड़े इंज होंदे ने फल कुरू नहीं अज कुरू, इंज रह रह के सानू याद किया, मरण तो बाद असानू याद करी दे, मरण तो बाद असा उहदे जिक्र बुलंद कर दी दे। फिर दाता दाता आउंदी है ते बहू सुल्तान ही आउंदी है, बाबा फरीद ही आउंदी है। इन्हां इंज जिंदगी गुजारी है, इंज नहीं गुजारी, इंज गुजारी है। ते उस विचों हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह करन दे टिबियां ते रहण वाला, आप नूं अवैस करनी कहंदे ने, करनी कहा जांदा सिंघ नूं। आप दे इलाके दे अंदर ना खुदाई शुरू हो गई कि एक नींह रखनी है, बुनियाद रखनी है। हर चीज दी एक बुनियाद है, हर चीज दी एक बुनियाद होंदी। बुनियाद जिन्नी मजबूत होवे उतला मटीरियल ओना ही ज्यादा उसे उत्ते काबू रहिंदा। इन्होंने बुनियाद कढ़ी ना नींह दी। ते याद रखिया जो इस दुनिया की पूरी बुनियाद आदम तो लैके हुण तक क्यामत तक जिहड़ी असल बुनियाद है वह कमली वाले की जात है। वह जाते मुस्तफा इस दुनिया की बुनियाद। अल्लाह फरमाया कि जे तू ना बनता तो आप कुछ भी नहीं बना। एक करन दे विच ना उस इलाके च ना खुदाई की, खुदाई करन तो बाद ना वेख्या कि विचों एक सिंघ निकलिया। खुदाई करदियां करदियां सिंघ निकलिया। ते फारस दे विच ना सिंघ नूं करन किया जांदा है। उस वजह तो ना उस खुदाई जो सिंघ निकलिया उस इलाके दा ना करन पै गया। इस वास्ते जिद्दां लाहौर दे विच रहण वाले नूं लाहौरी कहिंदे ने, फैसलाबाद दे विच रहण वाले नूं फैसलाबादी, ते करन दे विच रहण वाले नूं करनी कहिंदे सन। इस वास्ते आप नूं हजरत अवैसे करनी किया जांदा। आपने अपनी जिंदगी जिहड़ी है ज़ुहद ते तकवे दे अंदर गुजारी, नीवियां हो के गुजारी। ते फल हमेशा नीवियां नूं लगे ने। ते कहंदे ने कि हुण ना ए अल्लाह पाक ने इन्हां दे वालद दा नाम आमर है, इन्हां दी वालदा दा नाम बिदार बीबी, अल्लाह पुत्र दिता, अवैस नाम रखिया। वक्त गुजरिया, वक्त गुजरता जा रहा, जवानी आ गई। हुण जदों जवानी आई ना ते ना सुनिया कमली वाले दा, जदों हजूर दा ना सुनिया ते ना सुनदिया सारी कलमा पढ़ लिया, ना सुनदिया सारी सुनिया ना की है आख्या जी उहदा नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि, ना सुनिया कमली वाले दा कलिमा पढ़ लिया। ते जो कलमा पढ़िया ना ते किसी ने पूछया कि ये खैर तां है, उन्हें आख्या कख सवाद न मिश्री अंदर, ते खंडा भी चख डिठियां पर इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां माही दियां मिठियां, गल्लां सोने दियां। ओ मेरे यार जी दियां गल्लां इन्नियां मिठियां ने ते सोने दा नाम किड्डा कि मिठा होएगा। मैं हजूर का नाम सुन के कलमा पढ़ लिया, बचपन के अंदर ही हजूर का इश्क लग गया, गल्लां बातां सुनिया। जिवें असीं अपने बच्चे की तरबीयत करी दी है ना कि पुत्र जे दुनिया के विच सौखा हो के जीना है ना, सौखा हो के एक रब का इश्क दिल च पा ला, एक कमली वाले का पा ला, इत्थे भी सौखियां गुजर जाएगी तो कबर के विच भी। हुण कहंदे ने कि हजरत वैसे करनी नूं ना छोटिया होंदे इश्क लग गया। तो इत्थे मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जदों कलिमा पढ़ लिया ना तो हुण कुरान पढ़दा तो कुरान के विच भी यार का जिक्र, बाहर जावे बाहर भी यार का जिक्र। हुण हर पास्यों जो यार की गल सुनी तो इश्क होर वध गया। इत्थे मियां साहब कलम चुकिया, जरा आखो सुभान अल्लाह। मियां साहब फरमांदे ने जेड़े दिन दा के नाम कुरान दे पढ़िया उस दिन दा रू मेरी नो तेरे इश्क लुट खड़े उस दिन दा रू मेरी नो तेरे इश्क ने लुट अड़िया। बस जिदन का नाम सुनिया ना हर पास कुरान दे विच भी। हुण कहंदे ने हजरत ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला जिंदगी गुजारदे ने ज़ुहद तकवे आली, आजज़ी आली, इनकसारी आली, कि जिहदे विच मेरा रब राजी रहे, जग की कोई परवाह नहीं। जग रुसदा है हाकम रुस जावे पर सरकार नाराज न थीवे। हजूर ना नाराज करियो बाकियां दी खैर है, जदों अल्लाह रसूल राजी होवे तो जग आपे राजी हो जाता।
जदों हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि चंगा वक्त माँ की तरबीय चंगी प्यो की तरबीय चंगी इंसान के अल्फाज के चुनाव तो जो बह के किसी विच कलाम कर देना उसके चुनाव तो पता लग जाता कि चंगे प्यो ने तरबीयत की या माड़ी हुई है आपे पता लग जाए जो अच्छे अल्फाज हो अच्छी गुफ्तगू हो तो बंदा बोल के कह दिना कि चंगे माँ प्यो की औलाद चंगे माँ प्यो ने तरबीयत की हूँ हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह तआला की ममूल है अगर रकू के अंदर है तो सारी रात रकू च अगर सजदे दे अंदर सारी रात सजदे दे अंदर अगर क्याम दी हालत खड़े ने सारी रात क्याम दी हालत दे अंदर गुजार देंदे ने इस तरह करके रात अपनियां दिन भी अल्लाह दी बारगाह च रात भी अल्लाह दी बारगाह च इधर अल्लाह फरमा रहा बुकरा तम व असीला सुबह भी मैनू याद करो शाम भी मैनू याद करो जदों कीता ना कमली वाले ने सुबह भी याद ते शामी भी याद ते सारी सारी रात खड़िया होके नबी पाक ने इबादत की थी ते अल्लाह करीम फरमाया या अय्युहल मुदस्सिर फरमाया ओ बुकल मारन वाली चादर मारन वाले सोनिया इंज कर ना इन्ना बहुता खड़ा होया कर इंज ना खड़ा होया कर ते फिर पैर सोज जाते हैं सोजिश पै जाती तू इंज कर रात नूं सो लिया कर ते दिने सानू याद कर लिया कर ला यार खड़ा होया तो अल्लाह नूं फिक्र मालिक नूं अपने यार की फिक्र फरमाया निघी चादर वाले बुकल वाले ना इन्ना जागिया कर इन्नी रात ना गुजारिया कर तू थक जाना है साड़ी कोई फिक्र नहीं मालिक नूं है लेकिन यार यार होंदा है फरमा तू थक जाना फिर पैरों नूं सोजिश भी पै जाती है इंज कर थोड़ा जिहा जाग लिया कर तो फिर सौ भी लिया कर अर्ज़ कीती मौला जे तू मैनूं मुहब्बत करन लग्या नहीं थकिया बनाउण लग्या नहीं थकिया छाना देण लग्या नहीं थकिया तो मैनूं की है मैं जे तेरी इबादत कर थक भी जावा तो फिर की होया यार जो आया मौलाना रूम रही मौला आप ना बैठो ए तो कोल बाबा ना तस्बीह फड़ी जिस तरह करके ना सुभान अल्लाह ते अल्हम्दुलिल्लाह ते ला हौला वला कुव्वत ए तस्बीह पिया करे मौलाना रूम रही मौला बुजुर्गों की वक्री गल होती फरमान लगा बाबा की पिया करना उन्हें आख्या मैं पुत्र की करना मैं तस्बीह पिया करना मुड़ा नूं फरमान लगे मैनू बड़ा अफसोस होया तेरे उत्ते उन्हें आख्या बाबा जी होया की है मैनू गल तो दसो ना उन्हें आख्या गल इंज कि आ तू पढ़न की दे उन्हें आख्या मैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की तस्बीह बयान पिया करदा उन्हें आख्या आ वेखना अपने अल इन्नी उम्र गुजर गई है मैनू ये दस के जिहड़ियां उन्हें तेनू नेमतां दित्तियां ने रोजाना देन दा गिनती तो आउंदियां तेरे उन्हें आख्या नहीं उन्हें कभी तेनू गिण के दित्तियां उन्हें आख्या नहीं तो मौलाना रूम फरमांदे फिर तू ना उहदे गिण गिण के क्यों लैना और फिर तू वो ना गिण गिण के सौ हो गई है तो दो सौ हो गई है ना जिदा वो बेलोस तेन नेम तो दे जाता तू भी हर टाइम ही वो जिक्र करता रहा कर गिणिया ना कर वो आपे गिनती कर ले तू सुबह शाम बस उन्होंने याद कर जिक्र जे करना है एक आज ही है ये मुहब्बत है अल्लाह के नाल गिण गिण के ना करया कर खुले दिल ना करया कर अल्लाह नूं वक्त गुजरता जा रहा हजरत वैसे कर नहीं रही अल्लाह कलमा पढ़ लिया वक्त गुजरिया रात भी सही दिन भी सही दे अंदर अल्लाह की बारगज जोहदो तकवा कमाया हुण की करदे ने मजदूरी करदे ने वेखो ये दरस से माँ प्यो जड़े आ बैठे ने तो जड़ी औलाद बैठी है उन्होंने औलाद वास्ते आज का दरस है अगर ये बयान सुन के ये तुसा खिताब सुन के ये अमल कर लिया समझो दुनिया च भी कामयाब हो तो आखरत भी कामयाब मेरा तुहाडे नाल पक्का वादा तवज्जो दे नाल सुणिया हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला आप की करदे ने दिन टाइम भी कुरान अगर मजदूरी करने वास्ते जाना तो कुरान हाथ दे विच पढ़ी जाना खजूर दियां गिटकां जिहड़ी ने जमा कर दे जमा करके फिर उन्होंने सुकाउंदे ने सका के फिर उन्होंने मंडी से जाके बेचते हैं बस औकात तुसा भी देखो तुसा भी खरीदते हो खजूर दियां गिटकां बंदा खरीद लैंदा खरीद के रोजाना के दो दिरम मिलते हैं दो दिरम एक पता की करते हैं एक अल्लाह की राह से खर्च करते हैं तो एक जिहड़ा दिरम बचता है ना उहदे वास्ते मां वास्ते बाजारों सोहना का फल लैके तो मां वास्ते लैके जाते एक दिरम अल्लाह की राह से एक दिरम का फल सोहना सोहना लैके ना अपनी मां नूं जाके खिलाउणा कोई समान लै लैण कोई जो लै लैण अज पता की होंदा है कईआं नूं गल बर्दाश्त होनी कईआं नूं नहीं होनी अज पता की है मुंडिआं दी शादी हो जाती है मां सारी रात बह के दुआवां करदी है मौला पुत्र गया तो मेरी जिंदगी उहनूं लग जावे लेकिन मेरा पुत्र राती 10 बजे भी आवे तो सही सलामत आवे तो प्यो भी अद्धी रात ही दुआ करदा है लेकिन जदों प्यो मुंडा आउंदा ना 10-11 बजे कोई शै लैके
बाजारों आवे एर माल उत्ते दिता हुंदा छापर दे उत्ते तो चुप करके मां नूं ना पता लगे तो प्यो भी प्यो नूं भी ना पता लगे तो मां सीधा बुढ़ी दे कमरे दे वेख मैनूं ये दस अज तू अपने बच्चियां नूं गोदी च बिठा के तो मोटरसाइकिल दे अगे बिठा के जाना है तो जाके उन्हां दे जुत्तियां पवा पवा के वेखना है किहड़ी पुत्तर नूं सोहणी लगदी है किहड़ी बीवी नूं सोहणी लगदी है पवा पवा के आप चैक करदा है अपना वक्त भी याद कर वह बुढ़ी मां जिहड़ी तेरे कोल अज बैठी है ना वह भी कदी वक्त है सी उह तैनूं आप गोदी दे विच बिठा के पुत्तर नूं बाजार लिजा के आप तैनूं जुत्ती पवा के चैक कर दी रही मेरे पुत्र नूं किहड़ी सोहणी लगदी मेरे पुत्र नूं केड़ी सोहणी लगदी है बुढ़ी नूं छड्ड ओ जिहड़े औलाद उहनूं छड्ड साइड ते रख ईद दे दिहाड़े आउण तों पहलो मां नूं मोटरसाइकिल ते बिठा गड्डी दित्ती है गड्डी च बिठा प्यो नूं बिठा बाजार दे अंदर लिजा जिवें बचपन दे विच तेरे नाल सूट अटैच करके चैक करदे ने मेरे पुत्र ते रंग सजदा कि नहीं सजदा इदां मां नूं वी देखिया करके मां नूं कपड़ा सोहणा लग्गिया कि नहीं लग्गिया मां दे जुत्ती पवा के चैक कर मेरी मां नूं पसंद आई कि नहीं आई मैनूं नहीं पता तेरियां नमाज़ां कबूल होईयां कि नहीं होईयां अगर वैसे करनी बनया तो इन्होंने गलों तू बनया इन्ना मैं जरूर पता है जे वैसे करनी रंग लगे ने मां की खिदमत ना लगे ये बुढ़ी की खिदमत ना कोई उन्होंने भी हकूक है उन्होंने भी पूरे करो लेकिन पहले मां बाप ये नहीं कि पहले मां बाप को छड़ के तुसा सिर वो थले दे दौ यह काम नहीं अगर कोई फल लैके आओ कोई चीज़ बाजारों लैके आओ अगर वो तू बरकत हासिल करना चाहना कि अल्लाह का फजल वो शामिल हो सब तो पहला लुकमा तेरा प्यो खावे तो तेरी माँ खावे सब तो पहला लुकमा तेरी माँ खावे तेरा बहुता नहीं वो तो पुत्र वाल वेख के रज जाते वेख के हसदा खुश वेख के पुत्र हसदा वसदा हो तो मापे वैसे रज जाते हैं हम वैसे करनी एक दिर मल्ला की राह एक दिरम जेड़ा है अपनी मां वास्ते समान खरीद के तो शाम को जाते हैं नबीनी मां है नज़र कोई नहीं आता मजूर है हाथों पैरों तो नहीं चल सकते सारी रात खिदमत करते वक्त गुजरता है कहते हैं कि हम जो वक्त गुजरता जा रहा हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह तआला रोज ही सरकार का नाम सुनते हैं नबी करीम इधरों नमाज पढ़ा के ना मदीने चो बाहर निकल के आके मशरक वाल मूह करके मुहद्दिस इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह मुहद्दिस अक दिल भी लिखते हैं कहते हैं कि हजूर इदा बटन खोल के ना बटन खोल के इस तरह ठंडा होंका भरते हैं पिछे इस तरह पिछे साबा भी करी जाते हैं इस तरह करते हैं तो साबा ने पूछा हजूर खैर तो है फरमाया इधर मैं जो मूह करना ना तो जो मैं ऐ वा सारा जहा सह खिंच देना तो मैं मेरे इस एक यार की खुशबू आती है एक सा मैनू इतों देखो हूँ मैं तुम्हें नुकता देन लगा कि यार है जोड़ा माँ की खिदमत करने वाला जे अवैस की खुशबू सोने तक पहुँच सकती है तो जो अज इतने बह के वाल्या माँ की खिदमत करे तो तेरिया खुशबूं मदीने नहीं जा सकती शर्त है कि माँ प्यो की खिदमत लाजमी है अल्लाह ने फरमाया मेरी इबादत तो बाद हजूर की ताबेदारी तो बाद जो सब तो व्डा फर्ज है तुहाडे उत्ते वालदैन की खिदमत है माँ प्यो नूं लित्तर मारे तो पांच वक्त सजदे करें तो फिर तू घर ही कर लिया कर इहदे नालों बेहतर है माँ तेरी नमाज उदों कबूल है हज उदों कबूल है जदों तेरे उत्ते माँ प्यो राजी ने हुण वैसे करनी इह हजूर इदा खुशबू सौंघदे ने फरमाया इधर मेरा याद है जदों गल कीती ना तो हजूर दे गुलाम कहण लगे हजूर सानू भी दस दो किहड़ा यार को सानू भी दसो ना किहड़ा यार है इधर वैसे करनी रदी अल्लाह तआला हजूर का जिक्र सुनते हैं रोंदे ने कितने मिल जाए कितने मिल जाए तो आखो तरह सुभान अल्लाह हजरत जी वकार मियां साहब फरमांदे ने लगियां वाले चुप नहीं कर दे भवें दईए लख दला से तुर जावण मह बोब जिन्ना दे ओ जावण के पासे नबी करीम दे सहाबा जड़े ने हजूर दी अदालत विच आके पुछदे ने कमली वाले आ बटन भी खोलदे ने ओ ते लंबी लंबी सांस लैके खुशबू अंदर नू खिचदे ओ हजूर फरमाया इधर एक इलाका है यमन दा इलाका है ते यमन दे इलाके दे अंदर एक साडा बेली है जिहदा नाम ऐसे करनी है फरमाया सहाबा मैं जदों भी साह लैना मैनू मेरे अवैस दियां खुशबूआं मैनू मेरे अवैस की खुशबू आंदी है हजूर दी बारगाह विच गुलाम कह लगे कमली वाले आ सारी
सारी जिंदगी असी तेरे कदमां दे विच गुजारी है। पांच वक्त तेरी बारगच नमाज पढ़ने वाले सोने सजदा तेरी बारगच करने वाले कुरान दियां तिलावतां तेरे सामने करने वाले ओ केड़ा आशिक जिहड़ा करन दे टिब्बियां ते पिया वसदा है इत्थे आया भी नहीं ते गल्लां तुसां ओहदियां कर रहे हो। हजूर ने फरमाया मेरा बड़ा बेली है वैसे करनी साडा बड़ा यार है। कहन लगे हजूर साडा भी दिल करदा है असीं ओहदे नाल मुलाकात करिए ओहदी कोई निशानी दस दिओ निशानी दस दिओ। मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया निशानी की है सारी दुनिया नवे कपड़े पा पा के दुनिया दे विच जिंदगी बसर करदी है मेरा वैसे करनी ऊंट दी खल दा लिबास पाया है टुटी हुई जुत्ती पा के गलियां बाजारां दे विच अपने मदीने वाले दे नारे मारदा पिया है। फरमाया सहाबा अर्ज कीती कमली वालिया होर कोई निशानी दसो। फरमाया मेरे अवैस दी दूसरी निशानी है वे कोई रात जेड़ा है अज दी दुनिया दे अंदर कोई रात जेड़ा है फिल्मां ड्रामियां दे विच गुजार देंदा है कोई रात जेड़ा है मोबाइल दे उत्ते गुजार देंदा है कोई रात जेड़ा है गलियां कचौंक दे विच गुजार देंदा है। फरमाया मेरा अवैस ओ पहली है जिहदी रात जेड़ी है अल्लाह दी बारगाह च इबादत करदियां गुजरदी है अल्लाह दी बारगाह च सजदा करदियां गुजरदी है अल्लाह नूं याद करदियां गुजरदी है या मुहम्मद दी जात दुरूद पढ़दियां गुजरदी या कमली वाले दी जात दुरूद पढ़दियां गुजरदी है। कहण लगे सहाबा ने हजूर दी बारगाह च अर्ज कीती कमली वालिया अवैस दियां होर कोई निशानियां दसो। मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया फरमाया अवैस दी होर की दुनिया दे बाजारां दे विच मेरे अवैस नूं कोई नहीं जानदा दुनिया दे बाजारां दे विच मेरे अवैस नूं कोई नहीं जानदा लेकिन अरशां दे बाजारां दे विच रब दे अरशां दे बाजारां दे विच हर पासे अवैस दियां गल्लां आउंदियां ने दुनिया दे विच कोई नहीं जानदा अल्लाह दी बारगाह च फरिश्ते भी अवैस दा जिक्र करदे ने। अर्ज कीती कमली वालिया कोई होर गल सुणाओ अवैस दी। मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया जदों गलियां बाजारां दे जाता है तो बच्चे जड़े ने पत्थर मारते ने तो खून निकलता है खून निकलता है अवैसे करनी उन्होंने बच्चियों बोल के कहते ने बेलियो पत्थर ना मारो जे पत्थर मारने ने छोटे छोटे मारो छोटे छोटे मेरे पत्थर मारो। बच्चे कहते ने क्यों छोटे छोटे पत्थर मारिए। फरमाया पुत्रों जे वे पत्थर मार दो खून निकलता है खून निकले वजू टुट जाता है तो फरमाया छोटे पत्थर मारिया करो वजू भी ना टुटे तुहाडी हसरत भी पूरी हो जावे ते मैं भी अपने मालक दे नाल नमाज दे विच मुलाकात कर लवां। फरमाया सहाबा कदी भी नमाज नहीं छड़दा अपनी मां दी खिदमत भी नहीं छड़ी। हजूर दे गुलाम कहंदे ने हजूर अब ऐसे करनी दी होर कोई निशानी दसो। फरमाया रब्बे काबा दी कसम एक वक्त ऐसा आएगा लोग अपने यारां नूं सीनियां दे नाल लाउणगे अपने बेलियां नूं सीनियां दे नाल के यारां बेलियां नूं अद्धी अद्धी रात तक बह के टाइम देणगे यारां बेलियां दे नाल सारी रात गुजार देणगे लेकिन मां वास्ते कोई भी टाइम नहीं बुढ़ा प्यो घर दे विच इंतजार पिया करदा है उहदे वास्ते कोई टाइम नहीं। फरमाया सहाबा क्यामत दा वक्त आएगा लोग यारां बेलियां नूं सीने लाणगे मां प्यो नूं धक्के देणगे। अज भी वक्त ऐसा है अगर कोई अफसर आ जावे पुत्र वकील बन जावे पुत्र डॉक्टर बन जावे ते प्यो धोती पाण वाला होवे मोढे ते चादर रखण वाला होवे ते डॉक्टर जेड़ा पुत्र बनया है या वकील बनया है अपने प्यो नूं कहिंदा है अब्बा घर दे अंदर चला जा की धोती पा के मेरे यारां दे विच आ गया है की मोढे दे उत्ते चादर रख के मेरे यारां दे विच आ गया है। मेरे यार की आखणगे तेरा अब्बा ते पेंडू जिहा बंदा है पेंडू जिहा बंदा है। फरमाया रब्बे काबा दी कसम प्यो तेरा धोती पाण वाला जरूर है मोढे ते सावा रखण वाला जरूर है। मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया फरमाया जन्नत किसे नहीं वेखी सुबह उठ के प्यो दे चेहरे वल तकिया जे अल्लाह जन्नत दा सवाब अता कर दे।
अल्लाह जन्नत का दरमियानी दरवाजा तकन का सवाब अता कर देगा। फरमाया सहाबा एक वक्त ऐसा आएगा लोग अपने मां प्यो नु धक्का मारन गे लेकिन मेरा अवैस करनी ओ बेलिए मेरा यार। फरमाया दिने अल्लाह की इबादत करता है इबादत करन तो बाद अपनी मां की खिदमत करता है सारी सारी रात मां के सराहने खड़ा रहा है मां की खिदमत गुजार देता है खिदमत दे विच गुजार देता है। अज भी कई बंदे ऐसे ने पिंड के अंदर कोई गल हो जाए पढ़ाया करके टुरदा है हाथ भी ला के वेख मैं क्या तेरा कोई कमाल नहीं। अगला बंदा कहता है तेरे नाल बाद दे विच निबड़ांगा पिछे तेरा प्यो खलोता है पिछे तेरा प्यो खलोता है तेरा किसी नूं कोई डर नहीं। अगर पिंड वाले तेरे कोल डरदे ने तेरा हया करदे ने पिंड वाले तेरी इज्जत करदे ने एक कदी भी ना सोची तेरा कमाल है। अगर पिंड के अंदर तेरी इज्जत तेरा कोई हया करदा है तेरी वजह तो नहीं तेरे प्यो की वजह तो करदा है। ये जो प्यो दसाया जाता है मां दसाया जाता है फिर रिश्तेदारां दी भी पहचान हो जाती है यारां बेलियां दी भी पहचान हो जाती है फिर पता लग जाता है। अगर दुनिया दे विच बगैर लालच तो अपनी औलाद दे नाल मुहब्बत करने वाली कोई हस्ती है एक नूं मां कहिंदे ने दूए नूं प्यो कहा जांदा है एक नूं मां कहिंदे ने दूसरे नूं प्यो कहा जांदा है। ये ऐसी दस्ती है मियां साहब फरमांदे ने मां मरे ते मापे मुके दे ते प्यो मरे कर वेला वीरा बाज मुहम्मद बख्शा वही उजड़ जांदा जे मेला। अज भी वक्त है नौजवानों मेरा इको ही पैगाम है जिंदगी अगर गुजारनी है तो मां बाप के कदमों च गुजार दो। रब्बे काबा की कसम है हजरत मूसा ने सलातु सलाम अल्लाह दे कलीम है अल्लाह दे नाल गल्लां बातां करदे ने रोज अल्लाह दे नाल हम कलाम आते हैं। एक दयाड़ा आया अल्लाह दे नाल हम कलाम करने वास्ते जा रहे ने रब्बे कायनात की कुदरत की आवाज आई फरमाया कलीम मौला हुक्म होवे फरमाया कलीम मूसा कलीम अज मेरे कोल संभल के आवी अज कोहे तूर ते जरा संभल के कदम रखी मौला वजह की है कोई गलती हो गई है कोई गुनाह हो गया या कोई खताई इजतहादी हो गई है। अल्लाह फरमाया कोई गल नहीं कुछ भी नहीं होया अगर मेरे कोल आंदा रहा है इस कोहे तूर ते आके मेरे नाल मिठियां गल्लां करदा रहा है तेरा कोई कमाल नहीं बुढ़ी माई का कमाल पिछों दवावां करन वाली तेरी मां दा कमाल है। असां तो कुछ भी नहीं असां बिल्कुल माड़े हैं मूसा वर्गियां नूं रब कह दिंदा हुण मेरे कोल आना है तो जरा मां नूं राजी करके आई मां पिछे कोई नहीं तो तू लित्र मार के गालां कढ़ के मसीते आ जाना है आई जा सौ वारी सिर रगड़ी जा वो उदों राजी होंदा जदों मां प्यो राजी हो। मेरे हजूर का फरमान है कि जड़ा बंदा सुबह उठ के सुबह जी इस हालत दे विच करे सुबह का आगाज इस हालत दे विच करे उदा प्यो भी राजी है उदी मां भी राजी है। फरमाया नमाज बाद विच पढ़ेगा अल्लाह जन्नत दे दो दरवाजे उदे वास्ते पहले खोल देना इदा सुबह नूं उठिया उदा प्यो भी उदे उत्ते पूरा राजी है ते मां भी राजी है। मेनू इमानदारी दे नाल दसो अलामा इबने मुहद्दिस इबने जोज़ी ने लिखिया कहिंदे ने कि यार तुसां यारां बेलियां दे नाल रात गुजारदे हो बड़ियां मिठियां गल्लां करदे हो यार कितें मां प्यो नूं भी टाइम दिया करो। कहिंदे ने कि मैं सुणिया है फरमांदे ने कि जिहड़ा बंदा रात नूं दिने या रात नूं इत्थे मां दी मंजी है ते आ प्यो दी मंजी उहनां दे कोले जा के बैठे ते बैठ के ना कोई ऐसी गल करे मां भी हस पवे ते प्यो भी हस पवे। मुहद्दिस इब्ने जोज़ी फरमाते हैं मां प्यो का हासा बाद विच खत्म होएगा अल्लाह उसकी जिंदगी के गुनाह पहले माफ कर देगा। कीता कि ये मां प्यो नूं हसाया है
ते दुख नहीं देने, ते जेड़ा दुख देवे ओदा फिर की अंजाम है? हसान वालियां दी अल्लाह मगफिरत कर देंदा है, ते दुख देण वालियां दा रगड़ा भी कट देंदा। तो लिहाजा अपने माँ प्यो नूं राजी रखना इसे वास्ते। अभी करीम अकले सलातु सलाम ने फरमाया, साहबा अगर मेरा अवैस तुहानूं मिले ना तो यार दुआ कराया जे अपने हक दे विच। लो जी अबू बकर बेलियां, अबू बकर वर्गे सदाक दे बादशाह नूं हजूर आखे, उमर वर्गे जिन्हां दे उत्ते जन्नत दीआं मोहरां लग गईआं, फरमाया अगर अवैस मेरा बेली मिल जाए ना तो यार अपने हक च दुआ कराया जे। हजूर क्यों? फरमाया जो हाथ चुकदा अल्लाह मोड़दा ही नहीं, कभी मोड़े नहीं रब ने। हजूर कमाल की है? फरमाया कमाल उहदा कोई नहीं यार, मां दा कमाल है। उन्हें पता मैनू क्यों नहीं वेख्या? फरमाया उन्हें आना भी है, दीद भी नहीं होनी, लेकिन उन्हें सिर्फ ये वेखना है चलो सोना नहीं ना मिले, मां की खिदमत ना रवे। इतने कहने सारा कुछ बच जाए, मां जाती है तो जाए। असी आप दुआव करी दी, चार किले अब्बे ना हो ना, कोई चार मरबे दुआ कर दी, मोड़ा चुक ला कोई चार मरबे साढ़े को होंगे, असी आप मरण की दुआ करी दी। लेकिन याद रखिया जे मेरी मेरी सारे आखण मेरी, ना ये तेरी तो ना मेरी, तू ये बंदे आ खाक दी टेरी। ये तेरे तो पहले भी बड़े गुजर चुके ने, ये उत्थे ही है, ये उत्थे ही है, किले मरबे उत्थे गुजर गए, हर बंदा गुजर गया, आदम तो लैके हुण तक दुनिया गुजरती जा रही है, ये जमीन भी उत्थे है, सारा कुछ ही उत्थे, बंदे गुजर गए, बंदे बदल गए। अल्लाह फरमाए अन्नल अर्द यारी सूहा आबादी सालिहीन, ये बंदियां ये जमीन जिहड़ी है तुहाडी मलकीयत ने, जिन्हें सानू याद किया नावे ला देनी है, ये नावे ला देनी है, जिमें जिमें दत्तालीए जवेरी वर्गियां दे नाल लग गए, बाबे फरीद वर्गियां दे नाल लग गए। कहंदे ने कि हुण हजूर फरमाया दुआ कराया जे मेरा अवैस जदों मिले ना मेरी उम्मत वास्ते भी दुआ कराया जे। हजूर क्यों? फरमाया जदों अवैस ने चुक के दुआ करनी है ना, तो अल्लाह ने बनू कबीला रबिया दियां बकरियां दे वालां दे बराबर अल्लाह ने मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दी। फरमाया मेरा अवैस हो बेली है, अद्धी उम्मत मेरी अवैस ने छड़ा लेनी है। किड्डा गनाज वेखो ना, किड्डा अल्लाह ने उस मकाम अता फरमाया। कहंदे ने कि हज़रत शेख शरफुद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात दे अंदर लिखदे ने, एक दिन फरिश्ते बैठे हुए ने, ऐदां फरिश्ते बैठे ना, अचानक कोई तुसां बैठे हो ना, अचानक कोई बाहरों बंदा आवे तो खुशबू चंगी होवे, तुसीं कहणा यार लगदा कोई चंगा ही आया, खुशबू को सोहनी लाई। फरिश्ते ऐदां आसमान ते बैठे तो अपने मालिक दा जिक्र करदे ने, अचानक खुशबू दा हुल्ला आया, तो ऐसा आया जिहड़ी अज तक नहीं सूंघी। 700 साल बाद ऐसी खुशबू फरिश्तियां नूं आई, जदों सूंघी ना ते हाल चाल पै गई कि की दी खुशबू है, किधरों आ रही है, इधरों भी नहीं लगती, इधरों भी नहीं लगती। सारे एक दिन पुछदे ने इसराफील जिन्हें सूर फूकना है, ओनू मोढे नूं हाथ मार कहिंदा यार तैनूं पता नहीं है, मैनूं कोई नहीं पता, मैं सूर फड़ के बैठा, मैनूं तो फूक दा हुक्म है। ते नाल दे नूं पुछिया हाँ भी तुसा राद, हजरत राद अलैहि सलातु सलाम जिहड़े बिजली छोड़दे ने, आ जिहड़ा बदल बोलदा ना, लोकी कहंदे बदल पिया बोलदा, फरमाया अल्लाह फरमाया सूरत राद दे अंदर है, अल्लाह फरमाया बदल नहीं गरजदा, ये साडा फरिश्ता है, राद साडी तस्बीह बयान पिया करदा, ये बदल की आवाज़ नहीं होंगी, फरिश्ते की आवाज़ है, अल्लाह की तस्बीह बयान। हजरत राद अलैहि सलातु सलाम फरिश्ते पुछदे तुहानू पता? फरमाया मैनू तो कोई नहीं पता, मैनू तो बिजली सुट्टण दा पता है कि किहदे उत्ते अल्लाह ने हुक्म दित्ता आपां सुट देणा। हुण सारिआं ने पुछ लिया, हुण जिब्राईल अलैहि सलातु सलाम जिहड़े नूं बैठे नबी पाक की बारगाह च गलबात करके ना निकल गए, हुण जदों गए ना उत्ते सारे फरिश्तियां ने घेरा पा लिया, जी हुण तुसा सरदार हो, अल्लाह तुहानू बड़ियां शानां दित्तियां, अजमतां तुहाडियां बड़ियां ने, ते हुण तुसा कोई मेहरबानी करो, खुशबू तुहानू उहने आखिया जी मैं सोने की बारगाह च बैठा, आई मैनू भी है, आई मैनू भी है, तो मैं झूठ कोई नहीं मारना, मैनू भी आई है। वह कह लगे सानू भी आई है, तो पता कोई नहीं आई कितों? हजरत जिब्राईल सलातु सलाम फरमाते सरदार जरूर पर पता मैनू भी कोई नहीं, और पता मैनू भी कोई नहीं कि खुशबू का हुल्ला आया कितों। उन्हें आख्या फिर हुण की करिए, हुण की होना चाहिए? तो जिब्राईल कहिंदा जदों सारिआं दी हद मुक जावे ना ऐ सोचण वाली, तो फिर दरे मुस्तफा ते जाना चाहिए, जिते फरिश्ते भी हाथ छोड़ दे, बिल्कुल फारग हो जाए कि सानू नहीं पता भाई कितने, जिथे जिब्राईल की हद मुक जाती है उत्थे कमली वाले का मकाम शुरू हो जाता है, जिथे जिब्राईल की परवाज खत्म, मिराज आ रहा है, इंशाल्लाह मिराज तो सुनावांगे, याद रखोगे, ये जिथे जिब्राईल की परवाज खत्म उतो कमली वाले की परवाज शुरू। हूँ जिब्राईल कह लगा यार मैंने कोई नहीं पता गल मैं सही की थी, तो मैं इंज करना मैं पूछ कहना मैं अगे भी उतो आया हूँ दोबारा फिर चल जाने, तो फिर इत की होना? तो जिब्राईल सरकार ने पूछा सी जिब्राईल यार पूरी रफ्तार किन्ने के चक्कर ला सकता है? अर्ज की सोने अख झपकन खोलन तो पहला 70 चक्कर मैं ला सकता, जमीन दे सिदरतुल
बड़ी सोहनी खुशबू आई है ते हुणे नहीं पता आई किधर होवे हुण तुसां जरा मुहब्बत फरमा दे दस दिओ हुजूर कित्थों आई मेरे अकले सलातु सलाम ने फरमाई यमन दे विचों आई हजूर यमन कितों फरमाया करन दा इलाका है उत्थे साडा इक बेली है वैस अज उन्हें साडा नाम सुनिया अज उन्हें ना एडे दर्द वाला सुनिया साडियां इन्नियां गल्लां सुनियां वह रो ही पिया उहदे इश्क दा होंका निकलिया ते जिहड़े होंके दी विचों खुशबू निकलदी है सारे पासे चली गई ये जिन्नी भी हर पासे खुशबू फैली है ना हजूर दे इश्क दा जिहड़ा होंका निकलिया उहदी खुशबू हर पासे जा रही है कहते हैं कि हूँ हजरत अवैस सिकर नहीं रही अल्लाह तआला ने जो ये नाम सुने ना हजूर का हूँ दिल करता एक मेल आवा हूँ जे बंदे जागत बैठे जरा आखो सुभान अल्लाह इंज नहीं जरा गज के आखो सुभान अल्लाह हजरत दी वकार मियां साहब फरमाते ने दुखिए दी गल दुखिया सुनदा ते सुखिए नु की खबरां सजन जिन्ना दे वही मौत ने मारे ओ रोंदे तक तक खबरां और सुबह सुबह दवे लाया हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह ताला अपनी मां दे कदम फड़ ले आके कहंदे ने अम्मा अज इजाजत दे दे मैं करण दे टिब्या ते कमली वाले दा नाम सुन के आया अज मैं हजूर दा जिक्र सुन के आया मां बड़ी तड़प लगी है मैं सुनया है अबू बकर सदीक वर्गे बेली सोने दे नाल कोल बह बह के गल्लां करदे ने मां उमरे फरूक वर्गे यार जड़े ने सरकार दे कदमी बैठे होंदे ने मां सुनया उस्मान वर्गे हया दे पैकर भी कमली वाले दे नाल नाल बह के गल्लां करदे ने मां सुनया मौला अली शेरे खुदा रब दा शेर जेड़ा है कमली वाले दे नाल नाल रहिंदा है तलहा जुबैर वर्गे भी बेली हजूर दे कोल होंदे मां अज मेरा इश्क टुट गया है जान मुक गई है अज इजाजत दे दे मैं ओ सोना वेखावा मैं भी कमली वाले नू वेखावा जिन्हें एडी सोनी दुनिया बनाई है मैं वेख के आवा अपना बेली किड्डा क सोना बनाया अपना बेली किड्डा तो सोना बनाया है सारी दुनिया बनाउण वाले ने सोने नू किड्डा सोना बनाया है मां कहण लगी पुत्रा एक पैर जान नू लगदा है एक पैरों नू लगदा है फरमाया पुत्र छेती जावी छेती आ जावी तेनू पता है कि तेरी मां नबी नहीं है कोई नजर नहीं आंदा खाण वास्ते मैं कुछ इंतजाम नहीं कर सकती पीण वास्ते पानी नहीं लै सकती पुत्र जावे खाण दा इंतजाम करके जावी अगर जावे तो पीण दा इंतजाम करके जावी वैसे करनी ने सबक दे दिता फरमाया बेलिया जन्नत लैनी सौखी नहीं जन्नत लैनी सौखी नहीं मां तेनू बचपन दे विच लुकमे खवांदी रही है तेरे मुंह दे विच बुरखियां पांदी रही है जदों इन्हां दे सफेद वाल आ जावे सफेद दाड़ी आ जावे जदों इन्हां दा वेला आवे रब्बे कायनात दी कसम अल्लाह सारा कुछ बख्श देवेगा अगर मां दी खिदमत करेगा जिवे दुनिया अवैस नू याद कर दी है तेनू भी याद करया करे तेनू भी याद करया करेगी बस मां दे कदमां च जिंदगी गुजार अवैस करनी ने मां दी बारगाह सर्ज की थी मां मैं जाना है फरमाया पुत्र चला जा कोई गल नहीं कमली वाले दे नाल मिल के आओ और रोटी दा खाना पकाया खाना पका के रोटी पकाई रोटी पकाउण वाली कोई बीवी नहीं रोटी पकाउण वाली कोई बेटी नहीं रोटियां पकाउण वाला मां दा पुत्र अवैस है रोटी भी पकाई खाना भी पकाया पानी लिया के भी मां दे कोल रखिया हुण जदों मां दे कदम फड़ ले अवैस करनी कहिंदा है मां मैं रोटी भी पका दित्ती है खाना भी पका दिता है पानी भी रख दिता है मां दुआ करी तेरा पुत्र परदेसी जा रहा है कमली वाला कि मेरे नाल मुलाकात कर लवे सोना मिल जावे
मां कह लगी पुत्र जा खैरी जात खैरी आ अज मैं एक पैगाम देना चाहना दो नंबर बाबिया दे कोल जाने हो दो नंबर बाबिया दे कोल जाके कहंदे हो बाबा जी दुआ करो अल्लाह पुत्र दे दे बाबा जी दुआ करो मेरा कारोबार चल पवे बाबा जी दुआ करो मेरे घर दियां परेशानियां मुक जावे मैं क्या दो नंबर बाबिया दे कोल बाद विच जावी कदी अपनी बुढ़ी मां नूं वी अजमा के वेख ले कदे चिट्टी दाड़ी वाले बाबे नूं वी अजमा के वेख ले फरमाया रब्बे काबा दी कसम हाथ चुक के दुआ करनगे माला मेरे पुत्र नूं रंग ला दे ओ दो नंबर बाबा रंग नहीं लावेगा जड़ी तेरी मां की दुआ दे नाल लग जाने जेड़े अल्लाह ने तेनू रंग तेरी मां दे नाल होए जेड़े रंग तेरे बाप दियां दुआवां दे नाल लगणे ने अगर पीर नूं जाके राजी करदा रवे ते मां प्यो नाराज होवे अल्लाह इदां दियां पीरियां मुरीदियां भी कबूल नहीं करदा बस इक्को ही शर्त है मां प्यो राजी होना चाहीदा है फिर दर मुर्शिद भी जाओ सोहणियां नूं भी मन्नो प्यारियां नूं भी मन्नो कहिंदे ने वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला नूं हुण जदों करन दे विचों निकले मदीने वल जा रहे हो मदीने वल जांदियां जांदियां हुण जदों मदीने दी हदूद विच आ गए जदों मदीने दी हदूद विच आए ते बच्चे मदीने दियां गलियां दे विच खेलदे ने वैसे करनी ने बच्चियां नूं उठा के सीने दे नाल आया सीने दे नाल ला के चुमना शुरू कर दिता बोल के कहिंदे ने बच्चियों मेरे नालो तुसी चंगे हो मेरे नालो तुसी खुशकिस्मत सुबह भी मदीने वाले दियां ज़ियारतां ते शामी भी मदीने वाले दियां ज़ियारतां सोने नूं इन्हां गलियां दे विचों गुजरदा वेखदे हो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कदी मदीने दी ओह दवार चुमदे ने कदी मदीने दी ओह दवार चुमदे ने इधरों हजूर सफर ते चले गए सफर ते चले गए ते घर दे विच पैगाम दे के गए फरमाया ऐशा साडा एक यार है जिन्हों अवैस किया जाता है मैनू मिलन वास्ते आ रहा है बड़ी तड़प लैके आ रहा है फरमाया बड़ा इश्क लैके आ रहा है अगर आ जावे बिठा लवी जान नहीं देना कहिंदे नहीं अवैस करनी आ गए हजूर चले गए हुण आके दरवाजा खड़काया अम्मा ऐशा पुछदी है कौन है कौन है आखिया सरकार दे दर ते आया मैं ते कुछ भी नहीं मेरा माही सारा कुछ सारा कुछ मदीने दा वाली है मैं ते हजूर दे दर ते फकीर बन के आया जदों अम्मा ऐशा ने पुछया फरमाया तेरा नां की है कहन लगी अम्मा जी मेरा नां अवैस है मैं करन दे टिब्बियां दे विच वसण वाला हूं यमन दे विचों आया फरमाया अवैस पुत्रा तेरे वास्ते कमली वाले दा पैगाम है हजूर घर दे विच नहीं है हजूर फरमाया जदों मेरा अवैस आवे आखिया जे इंतजार कर लवे कहिंदे ने जदों अवैस करनी ने सुनिया हजूर घर दे विच कोई नहीं रोना शुरू कर दिता वाह वेला शुरू कर दिता अम्मा ऐशा फरमांदियां ने इन्ने दर्द नाल रोया इन्ने दर्द नाल रोया मेरिया अपनियां अखियां दे विचों अथरू आ गए मैं रो के अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ कीती मौला ऐदां दे भी तेरे महबूब दे आशिक जे नजरी ना आवे ते कलेजा भी फटना शुरू हो जांदा है अखां दे विचों खून दे अथरू आने शुरू हो जांदे ने अम्मा ऐशा फरमांदियां ने हुजूर घर दे विच नहीं अवैसे करनी कहंदा है मां जी पर्दे दे विच हो जाओ कमरे दे विच हो जाओ जे कमली वाला नहीं मैं उन्हां जगां नूं वेख लवां उस वेड़े नूं वेख लवां जिथे मेरा कमली वाला पिया वसदा है जिथे मेरा कमली वाला गुजरदा पिया है हुजूर तुरदे फिरदे ने अम्मा ऐशा फरमांदियां मैं घर दे विच पर्दे दे विच हो गई कहंदियां ने एक नुक्कर दे विच वेख्या ऊंट दी खाल दा लिबास पाया है ਉਹ ਵੀ ਫਟਿਆ ਏ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ ਅੰਮਾ ਐਸ਼ਾ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਏ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦਵਾਲੇ ਫਿਰਦਾ ਏ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਮਦਾ ਏ ਲੱਗਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅੰਮਾ ਐਸ਼ਾ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਏ ਵੇੜੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਚੀਜ਼ ਚੁੰਮਦਾ ਏ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ
जाओ। अम्मा ऐशा फरमादियां ने थोड़ी देर तो बाद चीखा मारदा मारदा चला गया। कहन लगा अम्मा ऐशा कमली वाला नहीं मिलिया, मेरा पैगाम दे दिया जे हजूर नू आखिया जे कल नू जो अबू बकर वर्गे बेलियां दी गिनती करे जो उमरे फरूक वर्गियां दा नां लवे बस कमली वाले नू आखिया जे करन दे टिब्बियां ते रहण वाले माड़े जे अवैस नू भी याद कर लिया जे करन ते टिब्बियां ते रहण वाले माड़े जे अवैस दा भी क्यामत दे दिहाड़े जिक्र कर लिया जे। कहिंदे ने हुण वैसे करनी वापस आ गए, जदों वापस आए ने ते जदों बाहर आए ने थोड़ी देर तो बाद हजूर आ गए। हजूर जदों घर दे अंदर दाखिल होए ने नबी करीम सलातो सलाम ने फरमाया फरमाया ऐशा मैनू इस घर दे विचों मेरे अवैस की खुशबू आ रही है, लगता मेरा अवैस आया है। अर्ज की कमली वाले तुहाडा गुलाम आया सी, रोंदा चीखदा चला गया, सोने रोंदा ही चला गया, रोंदा आया रोंदा चला गया। हजूर दियां अखां दे विचों अथरू आ गए, सरकार अपने हुजरे दे विचों बाहर आए, आवाज दे के फरमाया अबू बकर बेली उमर बेली तुहाडे विचों कौन है जिहड़ा मेरे अवैस नू लभ के ले आवे, जाओ मेरे अवैस नू तलाश करो, जाओ मेरे अवैस नू लभ के ले आओ, मैं तुहाडे उत्ते बड़ा राजी हां जिहड़ा मेरा अवैस मिल जाए। सहाबा कहिंदे ने बड़ा ढूंढिया मदीने दियां गलियां दे विच चक्कर लगा ले, सारी मदीने दियां गलियां छान मारियां अवैस ना मिलिया। अवैस रोंदे रोंदे अद्धी रात दा वेला आया, अद्धी रात दा वेला आया घर दे अंदर आ गया। इधर हजूर दे सहाबा नबी करीम दी बारगा जा के कहंदे ने कमली वालिया मदीने दी हर गली छान मारी है तुहाडा अवैस नहीं मिलिया। हजूर दियां अखां दे विचों अथरू आए, अल्लाह दी बारगा च अर्ज की मौला मेरा अवैस मैनू वेखण आया सी, अज मैं ऐलान करदा मदीने दियां गलियां दे विच तू ही अवैस ते राजी हो जा, ते कमली वाला भी अवैस ते राजी, तू ही मेरे अवैस ते राजी हो जा, कमली वाला भी राजी है। रात दा पिछला पैर घर दे अंदर आ गए, हुण जदों रात दा पिछला पैर आया मां सुती है, मां नू नहीं जगाया, मां दे कदम फड़ ले ते रोई जा रहे, अचानक मां दे कलेजे नू खिच पई, कहिंदे ने मावां वाले ओ वे मावां दे कोल ए सैफरियाद लै जांदे पर मोइया मावां ओ वाले रो रो आपे चुप कर जांदे। वैसे करनी ने पैर फड़ ले, रोई जा रे रोई जा रे, मां दी अख खोली, मां ने जदों अख खोली खोल के फरमाया कौन है, अर्ज की मां तेरा परदेसी अवैस आया है, तेरा परदेसी अवैस आया है। फरमाया पुत्र उठ मां दे सीने दे नाल लग, अवैस करनी मां दे सीने दे नाल लग। फरमाया लगता मेरे अवैस पुत्र नू कमली वाला मिल गया है, मेरे अवैस पुत्र नू कमली वाले दी ज़ियारत हो गई है। अवैस करनी रोना शुरू हो गए, अर्ज की कमली वाला नहीं मिलिया, मां नहीं मिलिया, सोना नहीं मिलिया, लेकिन वेड़े दे विच मैं कली कली शैन चुम के आया। मां कहन लगी पुत्रा उत्थे इंतजार कर लेना सी, इंतजार कर लेना सी। अर्ज की मां किवें इंतजार करा, तेरी भुख दा भी ख्याल है, तेरी प्यास दा भी ख्याल है, तेनू शाम दी रोटी किन्ने पका के देनी है, तेनू पानी किन्ने देना है। जदों ये अमल वेखे आओ अवैसे करनी दी मां दे जिस्म दे अंदर ताकत आई, ताकत आई। अवैसे करनी दी मां कहंदी है पुत्र जरा मुसल्ला डाओ, मुसल्ला डाया। फरमाया मुसल्ले ते मैनू खड़ा कर, अचानक अल्लाह ने ताकत दित्ती, मां मुसल्ले ते खड़ा हो गई, सजदे दी हालत विच गई, सजदे दी हालत विच जाके कहंदी है मौला मैं अपने पुत्र अवैस ते राजी हां, मौला मैं अपने पुत्र अवैस ते दिलों राजी हां, मेरे पुत्र नू अवैस नू तेरे कमली वाले दी ज़ियारत नहीं होई। अज मां अपने पुत्र नू दुआ देंदी है,
सारा जग मदीने वाले दिया गल्ला करदा है। मदीने वाला मेरे पुत्र अवैस दिया गल्ला करेगा। मैं जादे नूं मां दी दुआ है, सारा जग मदीने वाले दिया गल्ला, मदीने वाला हर नुक्कर ते मेरे पुत्र अवैस दी गल करेगा। दुआ कबूल हो गई, बस तकरीर मेरी खत्म हो गई। यही गल है, ये जो खिदमत कर लेंदे हो ना, एंड ते आई होंदी है जो प्यो हाथ चुक लवे। एंड ते वक्त यही होंदा, पता कि साडा हुण मौत दा वेला करीब आ गया, जो हाथ चुक लेंदे ना, जे कह देना मेरे पुत्र नूं मौला बादशाह बना दे, तो फिर बादशाह ही रब बना देंदा। अल्लाह करीम दी बारगाह च दुआ, अल्लाह सोहणा सानू मां प्यो दे नाल रज के मुहब्बत करन दी, खिदमत करन दी तौफीक अता फरमा। अलीना इल्लल बलागुल मबीन।